खाद्य पदार्थों की पहुंच। खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के साथ साथ सभी लोगों के बीच इनकी पहुंच सुनिश्चित करना दूसरा प्रमुख आयाम है। देश के कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ खाद्यान्नों का उत्पादन तो कर लेते हैं, परंतु अधिकांश लोग बाजार की खरीदी तथा सार्वजनिक आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं। भूमिहीन तथा शहरी लोग पूर्णतः बाजार पर निर्भर रहते हैं। बहुत से व्यक्ति गरीब तथा बेरोजगार भी हैं। इनकी स्थिति को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाकर खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के उद्देश्य को पुनः अवलोकन करें। आइए अब हम सरकार द्वारा संचालित कुछ प्रमुख योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम MDM आदि पर चर्चा करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत देश के अधिकांश जरूरतमंदों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न जैसे चावल, गेहूं, शक्कर, चना, नमक तथा मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध कराया जाता है। ये सभी वस्तुएं पात्र परिवार को राशन कार्ड के माध्यम से प्रत्येक माह निर्धारित मात्रा में प्रदान की जाती हैं। आज हमारे देश में लगभग सभी गांव एवं शहरों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। वर्तमान में इन दुकानों की संख्या देश में 4.63 लाख से अधिक है, जबकि अकेले छत्तीसगढ़ में ऐसी दुकानों की संख्या अक्टूबर 2014 की स्थिति में 11,088 थी। इन दुकानों में खाद्यान्नों की उपलब्धता भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। FCI अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से गेहूं और धान, चावल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाजों को बड़े बड़े भंडारों में सुरक्षित रखा जाता है। यह भंडारण PDS की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है। FCI अनाजों का संग्रहण एक अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी करता है, वह है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक के अंतर्गत देश की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण किया जाता है, जिससे कि खराब मौसम या आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को बफर स्टॉक के माध्यम से दूर किया जा सके। हमने कुछ विद्यालयों के बच्चों से उनके घरों में खाद्यान्न की उपलब्धता से संबंधित कुछ जानकारियां ली। इसमें यह पूछा गया कि उनके घरों में खाने हेतु अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्रियां कहां कहां से खरीदी जाती हैं, और यह भी जाना कि क्या PDS से मिलने वाला खाद्यान्न महीने भर के लिए पूरा हो पाता है या नहीं। उदाहरण के लिए दो बच्चों ने बताया, उनके घरों में अनाज उचित मूल्य की राशन दुकान कोटा तथा बाजार से खरीदा जाता है। बच्चों के द्वारा दी गई जानकारी चित्र 5 अगले पृष्ठ पर देखें।